लेकिन ऑफिस ऑफिस के बाद जब मैं टेलीविजन के लिए थोड़ा सा ये सोचा कि ये डेली सोप नहीं होंगे, तो फिर अपने आप ये कमर्शियल फिल्म में आना शुरू हुई, जिसमें अपना वांटेड, दबंग टू, रेडी, सिंह इज किंग, ये सब फिल्में आनी शुरू हुई। तो देखिए, एज एन एक्टर तो आपकी जो है, आपने जैसे कहा कि भूख तो कभी मरती नहीं है, और चूंकि इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है ब्रांड कर देने का, जैसे कि आप, मेरा वेट भी है और एक इमेज बन गई है, लोग देखना उसी तरह से पसंद करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी उसी तरह से, अरे यार ये फनी रोल है, यार मनोज पावा को बुलाओ। बट एज एन एक्टर तो आप हमेशा सोचते हैं कि यार कुछ डिफरेंट करने को मिले, कुछ अलग किस्म का रोल करने को मिले। स्वागत है आप सभी का हमारे इस हेल्थ चैनल पे। दोस्तों, आज हम कुछ योगा की बात नहीं करेंगे, कुछ हेल्थ की बात करेंगे, और वो भी कुछ ऐसी जानी मानी हस्ती से बात करेंगे जो कि एक वेल नोन फेस है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। जो आप दबंग अगर मूवी देखी उनमें भी थे, आपने किक अगर मूवी देखी उसमें भी थे, जितने भी सारी अभी जो लेटेस्ट सलमान खान की मूवीज आई है उसके अंदर ये कैरेक्टर थे, और उसकी हम बात करने वाले हैं जिनका नाम है मनोज पावा से। ओके, तो मनोज पावा जी एक कॉमेडियन के तौर पे वो उनका जो कैरेक्टर है वो हमेशा रहता है, और कई बार अच्छे अच्छे कैरेक्टर वो प्ले कर चुके हैं, जो कि हाल ही में उनका जो लास्ट ईयर एक मुल्क मूवी रिलीज हुआ है उसमें उन्होंने कुछ डिफरेंट टाइप का रोल किया है। अभी नेक्स्ट उनका जो 2019 में मूवी आ रहा है ये साल में, तो ये साल में उनका एक मूवी है पिंडदान, वो भी एक कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने बनाया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी आप फ्यूचर में जाके देखिएगा, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। तो आज मुझे मौका मिला है उनसे बात करने का, वो थोड़ा सा शेयर करने का हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है हेल्थ का, और मैं उनसे पूछूंगा भाई कि उनके नज़रिए से हेल्थ क्या है, और उन्होंने हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा है, किस तरह से अपनी जो रूटीन है वो फॉलो करते हैं, और किस तरह से फ्यूचर में हमें जो इंडिया को हेल्दी अगर बनाना है तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जिसकी वजह से हम हेल्दी बना रहे। तो हम आगे जानेंगे मनोज जी, मनोज पावा जी से। थैंक यू वेरी मच। मनोज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और थोड़ा सा पूछना चाहेंगे आप क्या करते हैं हेल्थ के लिए, आपको हेल्थ मेंटेन रखना है। नमस्कार, पहले तो आपको देख ही रहा होगा कि कितना मतलब हेल्थ का जो भी उसमें कॉन्शियस हो, लेकिन क्या है कि हमारे को क्या है, ये जो हेल्थ है इसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो इमेज है यही जो है हमारा जो है इमेज है जिसको मेंटेन कर रहे हैं, और यही हमारा इमेज चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री के। लेकिन हेल्थ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हैप्पी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आदमी बहुत थिन हो, सिक्स पैक्स हो, तभी आदमी हेल्दी है। हेल्दी आदमी ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि आपका प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन जो लग रहा है, हेल्दी मीन्स आदमी सुबह अच्छे से फ्रेश हो, आदमी को अच्छे से भूख लगे, और आदमी जो काम करता है, जो भी कोई काम करता है उस पर जाने की आदमी की इच्छा हो, आदमी काम जो करने जा रहा है उसके लिए वो एक्साइटेड हो कि अच्छा आज मेरे को ये काम करना है, ये मेरा जॉब है, ये वो बिजनेस है, ये आदमी कोई भी प्रोफेशनल के काम करने की उसकी इच्छा हो और उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो और वो क्रिएटिव हो, ये मेरा कॉन्सेप्ट है हेल्थ। गुड गुड, अच्छी बात है, और हम आगे भी जानेंगे उनके बारे में कि भाई वो किस तरह से उनका जो रूटीन है वो फॉलो करते हैं, या फिर उनका जो शेड्यूल है उसके अंदर वो हेल्थ के रिलेटेड क्या खाना खाते हैं वो थोड़ा सा बताइए। अब जैसे कि मैं आपने बताया कि मैं जैसे साल में एक बार तो आता ही हूँ यहाँ पे नवजीवन में, और यहीं से मैंने वो चीज़ें सीखी हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही हमारी शूटिंग लेट आज से चलती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे लंच ब्रेक नहीं हो रहा है तो मैं अपने बॉय से बीच में मंगवा के अपना खा लूँ। तो टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम पे खाना खाएं, जो मैं चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है। और दूसरा ये है कि जितना हो सके बाहर का चीज़ें जो है, तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा ऑयल, ये चीज़ें अवॉइड करें। और नेचर, जैसे कि ये है कि नेचर के जितनी नेचुरल चीज़ें, हरी सब्जियां, फल, जितना उनका प्रयोग करें उतना ही आपका जो है नेचुरली हेल्थ मेंटेन।
सही बात है। तो शुक्रिया मनोज भाई आपसे बात करने से, अच्छा लगा हमको और हम कोशिश करेंगे। मोदी साहब से ये कहा कि ले लीजिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जो है ये बिजनेसमैन होते हुए भी इनका बहुत ट्रैवलिंग का बिजनेस रहता है, उसके बावजूद भी जी देखिए इन्होंने जो मेंटेन किए एज के हिसाब से मुझसे 5-6 साल बड़े हैं, लेकिन ये मुझसे छोटे लगते हैं, तो इनसे जरूरी है मैं टिप लेता हूँ, मुझसे ज्यादा वॉक करने का स्टैमिना है। तो हमारे बीच में है प्रकाश भाई मोदी और हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमारा जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताएं हेल्थ के बारे में। इसके लिए जैसे मनोज जी ने बताया उसी हिसाब से मैं भी 1 साल पहले यहाँ पे आया था, और यहाँ से जो हिसाब से मुझे डॉक्टर साहब ने बताया उस हिसाब से मैं तब से लेके आज तक ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ हर चीज़ में मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ, और ये लोगों के टिप्स के हिसाब से और मेरे भी थोड़े कुछ एफर्ट लगाने के बाद में कम से कम मैंने करीबन 8-9 kg जो है वो मेरा वेट रिड्यूस किया है। और बिसाइड्स दैट खाली वेट रिड्यूस करना कोई हमारा मोटिव नहीं था, साइमेंटेनसली यहाँ पे हम लोगों को जिस हिसाब से डिसिप्लिन मतलब खाने के लिए या टाइमिंग के हिसाब से या और कोई चीज़ के अंदर जो इन्होंने ट्रीटमेंट के हिसाब से सब डिसिप्लिन दिखाई है सिखाई है, और वही चीज़ जो है हम आगे कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से मेंटेन करें, और हम भी हर साल के अंदर एक बार जो है यहाँ पे आके अपने पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी जैसे मनोज ने बताया कि खाली बॉडी हेल्थ के अंदर सिक्स पैक जो होते हैं वही इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ जो है, तो यहाँ पे हम लोग आए उन्होंने दिखाया सिखाया तो वो भी चीज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच।